हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम के सैम्पल पेपर क्लास थर्ड के लिए। अभी भी आपका इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। इंडिविजुअल कैंडिडेट जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसके एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम 15 मई एंड 22 मई को होने वाली है। तो चलिए इसके क्वेश्चन पेपर हम जानते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर रहेंगे। टेस्ट जो है 60 मिनट्स का रहता है एंड टोटल मार्क्स 100 के रहते हैं। क्वेश्चन पेपर में 25 क्वेश्चंस रहेंगे। द क्वेश्चंस नंबर्स 1 to 6 बिलोंग टू मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी, 7 to 14 बिलोंग्स टू मैथमेटिक्स, 15 to 22 बिलोंग्स टू साइंस, 23 to 30 belongs to English and 31 to 35 are scholar section. Each question carries negative marking. Please leave the question in case you are not sure about answer. यहाँ पे क्लियर में लिखा गया है कि गलत questions के लिए negative marking की जाएगी। अगर आप question के लिए sure answer के लिए नहीं हैं तो please leave the questions, question को छोड़ दें। नंबर 7 पॉइंट, अनअटैम्प्ट क्वेश्चन डू नॉट अट्रैक्ट निगेटिव मार्किंग। अनअटैम्प्ट क्वेश्चन के लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। आंसर आर टू बी गिवन ऑन अ सेपरेट ओएमआर सीट। आंसर अलग से ओएमआर सीट पर हमें लिखना है एंड रफ कैन बी डन एनीवेयर इन बुकलेट बट नॉट ओएमआर सीट एंड लूज पेपर। हमें रफ कहीं भी पेपर पर कर सकते हैं लेकिन ओएमआर सीट पर हम रफ नहीं कर सकते और ना ही कोई लूज पेपर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 1, मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी। 2 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर और 0.50 मार्क्स विल बी डिटेक्ट फॉर रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, अ फ्यू गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन रो, काव्य इज इन मिडल सेक्शन। सबसे पहले हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। काव्या जो है मिडिल सेक्शन में है। सानिया, सिद्धि और अनाया आर स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ काव्या। काव्या की राइट साइड ये हो गई, लेफ्ट साइड ये हो गई। तो 3 गर्ल्स जो है 1, 2, 3, सानिया, सिद्धि एंड अनाया, ये 3 गर्ल्स काव्या के राइट साइड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देयर आर इक्वल नंबर ऑफ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ काव्या। काव्या की राइट साइड जितनी गर्ल्स है उतनी ही इक्वल्स लेफ्ट साइड में भी है। तो काव्या की राइट साइड में कितनी गर्ल्स हो रही है, 1, 2 एंड 3। तो लेफ्ट साइड भी 1, 2 एंड 3 गर्ल्स यहाँ पर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो, रो में कितनी गर्ल्स हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 7 गर्ल्स रो में है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 2 बनाना एल एंड बी आर रिमूव्ड एंड 1 बैलेंस, एंड देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, इफ 2 बनानास एल एंड बी आर रिमूव्ड एंड 1 बनाना सी इज एडेड टू द राइट साइड। ये सी बनाना जो है राइट साइड ऐड हो गया और एल एंड बी बनाना को हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो देन विच बनाना इज 4th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 4th बनाना कौन सा हो गया। तो 1, 2, 3, 4, लेफ्ट में डी बनाना जो है 4th साइड है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न गिवन बिलो। अब इसमें हम देख लेते हैं, 130 + 120 इक्वल टू हो जाता है 1950। ओके, फिर 1950 + 120 इक्वल टू ये 0 and 140। अब हम देख लेते हैं 1950 में 240 प्लस करेंगे तो 2190 हो जाएगा। ठीक है, 1224 यानी 120 सब में ऐड होता जा रहा है। तो 290, फिर 21,
190 प्लस 360 यानी इसमें फिर 120 ऐड कर दिए तो 2250, फिर 2550 प्लस 480 यानी 1200, 2000, 360, 480 तो 30, 30 एंड 30। सो करेक्ट आंसर इज यहाँ पे अपना हो गया 2550। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2550। ये सीक्वेंस में जो है हमारा पैटर्न चल रहा है तो मिसिंग नंबर इज 2550। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन मिस्टर संग्राम्स फोर्थ ग्रेड क्लास 19 स्टूडेंट है ब्लू आईज, 21 स्टूडेंट आर ब्राउन आई एंड 3 स्टूडेंट है ब्लैक आई। तो हाउ मेनी मोर स्टूडेंट है ब्राउन आई देन ब्लू आई। तो हम देख लेते हैं 19 स्टूडेंट ब्लू आईज के लिए 19 स्टूडेंट हैं एंड ब्लू एंड 21 स्टूडेंट जो है ब्राउन है, 21 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट ब्लैक आई के लिए है, BLAC ब्लैक के लिए 3 स्टूडेंट। तो पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाउ मेनी मोर स्टूडेंट हैव ब्राउन आई देन ब्लू आई, यानी ब्लू से कितने ज़्यादा ब्राउन आई के बच्चे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 माइनस 19 इक्वल टू 2, सो 2 स्टूडेंट इससे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 5। इफ अ सर्टेन कोड स्काई इज कोडेड रेक्स, स्काई को हम लिख रहे हैं रेक्स, वर्ड विल बी लेटर लास्ट लेटर टू कोडेड वर्ड फॉर स्नो। ये फर्स्ट लेटर पीछे बैक जा रहा है आर एस आई के एक्स वाई, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आर एस एम एन एन ओ वी डब्ल्यू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेटर वर्ड फॉर स्नो लास्ट लेटर स्नो तो डब्ल्यू इक्वल टू वी, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6। इफ द सर्टेन लैंग्वेज फैशन इज कोडेड एज फैशन देन हाउ प्रॉब्लम कोडेड एज लैंग्वेज। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं इसमें फर्स्ट एंड लास्ट लेटर सेम हो रहे हैं और बीच के बीच वाले लेटर क्रॉस में चेंज हो रहे हैं। तो फर्स्ट लेटर यहाँ पर पी हो गया एंड एम, और देन हमारा ये लेटर हो गया एल पी ई एल ओ बी आर एम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल ई इधर आ जा रहा है और ओ बी इधर जा रहा है क्रॉस चेक करके ये वाले, और ये दोनों सेम टू सेम हो रहे हैं, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अब हम देखेंगे सेक्शन 2 मैथमेटिक्स। 3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड 0.75 मार्क विल बी डिटेक्ट फॉर रॉन्ग आंसर। सुनीता कैन टाइप 120 वर्ड्स इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में 120 वर्ड्स टाइप करती है, तो 1 मिनट्स में कितना करेगी 120 डिवाइडेड बाय 5 यानी 24। तो हाउ मेनी वर्ड कैन बी 3 मिनट्स, तो 3 मिनट्स में कितने करेगी तो 24 इंटू 3 इक्वल टू 72। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 72 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 7। इन द क्लास देयर आर 45 स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स 7 मोर देन 25। तो 7 मोर देन 25, 25 प्लस 7 अगर हम करते हैं तो 12 एंड 3 32 गर्ल्स हो गए, गर्ल्स इक्वल टू 32। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, इसलिए बॉयज़ इक्वल टू हो जाएगा 45 माइनस 32 इक्वल टू 5 में से 2 एंड 13 स्टूडेंट बॉयज़ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7। ग्रीस हैज 240, हरीश हैज 393, देन ग्रीस वेनु वॉच रुपीज 486 मोर देन हरीश, तो हाउ मच मनी डू यू हैव ऑल टुगेदर। तो इन तीनों के अलग अलग हमें निकाल के फिर सबके टोटल्स करने हैं, तो बच्चों ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देयर आर ग्रुप ऑफ 4 गिफ्ट बॉक्सेस, ग्रुप ऑफ 4 गिफ्ट बॉक्सेस, तो कितने ग्रुप बन रहे हैं।
मान लीजिए फोर फोर बॉक्स के थ्री ग्रुप बन रहे हैं, वन ग्रुप टू ग्रुप एंड थ्री ग्रुप. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11. इफ देयर आर नाइन मार्बल्स इन वन बॉल, वन बाउल में नाइन मार्बल्स हैं, देन हाउ मेनी मार्बल्स देयर इन एट सच एज बॉल. तो एट में कितने हो जाएंगे, वन में नाइन है तो एट बाउल्स में एट इंटू नाइन इक्वल टू 72 मार्बल्स हो जाएंगे. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 12. हाउ मेनी 25 पैसे क्वाइन विल यू गेट फॉर अ 5 रुपीज क्वाइन. ऑप्शन ए 15, बी 30, सी 25 एंड डी 20. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 20. क्वेश्चन नंबर 13. 8 बाइक आर स्टैंडिंग इन द पार्किंग एरिया एट इक्वल डिस्टेंस अपार्ट अलॉन्ग वन साइड ऑफ ए स्ट्रेट रोड. द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड बाइक इज 26. फर्स्ट एंड थर्ड बाइक की डिस्टेंस है 26. तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेकेंड एंड सेवेंथ बाइक. अब इसी प्रकार ये थ्री थर्ड टू फिफ्थ बाइक की डिस्टेंस भी 26 हो जाएगी और फिर इन दोनों की डिस्टेंस भी 26 हो जाएगी. अर्थात हर दो बाइक की डिस्टेंस हमारी हो गई 13. तो हमें निकालना है सेकेंड से सेवेंथ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. तो 7 × 13 सेकेंड से एक ये डिस्टेंस हो गया 13 13 13 13 13 13 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13
किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें से कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके 144 आएगा. तो 12 × 12 इज इक्वल टू 144. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. अब सेक्शन 3 साइंस. 3 मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर, 0.75 मार्क्स विल बी डिटेक्ट फॉर द रॉन्ग आंसर. सो क्वेश्चन 15. अजय एंड विजय वर प्लेइंग अ गेम. अजय हैड ए बॉक्स दैट ही हैड कन्वर्ट विथ अ थिक टॉवल. विजय पुट हिज हैंड इन टू द बॉक्स एंड विदाउट लुकिंग इन टू इट टोल्ड अजय देयर वॉज द बॉल इन द बॉक्स. हाउ कुड ही करेक्टली से डैट देयर वॉज ए बॉल इन द बॉक्स. ऑप्शन ए फ्रॉम इट्स शेप, बी फ्रॉम इट्स साइज, सी फ्रॉम इट्स वेट एंड डी फ्रॉम इट्स कलर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फ्रॉम इट्स शेप. क्वेश्चन नंबर 16. बर्निंग ऑफ फायर नीड्स. ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मैच स्टिक, सी वाटर वेपर, डी ऑक्सीजन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑक्सीजन. क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट डू यू मीन बाय द पब्लिक ट्रांसपोर्ट. ऑप्शन ए द ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल, बी द ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज यूज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, सी द ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज यूज्ड बाय फ्यू पीपल एंड डी बोथ ए एंड बी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी द ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज यूज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल. क्वेश्चन नंबर 18. इन द फिगर विच ऑफ दिस वुड फिट प्लेस ऑफ क्वेश्चंस मार्क्स. ऑप्शन ए ट्रक, बी ऑटो रिक्शा, सी कार एंड डी साइकिल रिक्शा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ऑटो रिक्शा. क्वेश्चन नंबर 19. व्हाई डज द गवर्नमेंट एडवाइज टू डिस्कार्ड द यूज ऑफ पॉलीथीन बैग. ऑप्शन ए पॉलीथीन बैग्स आर बायो डिग्रेडेबल, बी पॉलीथीन बैग आर नॉन बायोडिग्रेबल, सी पॉलीथीन बैग आर एक्सपेंसिव एंड डी ऑल ऑफ दिस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पॉलीथीन बैग आर नॉन बायोडिग्रेबल. क्वेश्चन नंबर 20. 4 कंटेन विद द वाटर आर शोन बिलो इन विच देम द रेट ऑफ वेपर्स विल बी द फास्टर, पी क्यू आर एंड एस. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 21.
द टेल ऑफ बर्ड हेल्प अस हेल्प इट टू ऑप्शन ए फ्लाई फास्ट बी चेंज डायरेक्शन सी फ्लाई स्लो एंड डी फ्लाई हाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी चेंज डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 22 मीना प्रिपेयर टू सेट अप एक्स एंड वाई विद द सेम नंबर ऑफ अर्थवर्म इन ईच सेटअप ए फ्यू डेज लेटर द अर्थवर्म इन द सेटअप एक्स डेड व्हाइल द अर्थवर्म इन सेट अप वाई वर स्टिल अलाइव मीना कैन कंक्लूड दैट लिविंग थिंग्स नीड फूड टू सर्वाइव बी नीड एयर टू सर्वाइव सी कैन रिप्रोड्यूस इन द कंटेनर्स एंड डी नीड लिव्स फॉर शेल्टर सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नीड एयर टू सर्वाइव सेक्शन 4 इंग्लिश 2.5 मार्क्स करेक्ट आंसर एंड 0.50 मार्क्स विल बी डिटेक्ट फॉर रॉन्ग आंसर 23 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस वाओ यू हैव painted such a stunning picture I hadn't realized you were such a mad dog white elephant dark horse and black sheep correct answer is option c dark horse 24 identify the adverb in the following sentence we is too careless correct answer is option a 2 question number 25 Which one of the following word cannot be formed from the letter of given word? Teacher. So, correct answer is option C, chair. I is not here. 26. Identify the adjective with the following sentence. Question number 27. Identify the adjective in following sentence. The fat boy has a white cat with him. Option A, boy. B, fat and white c cat and d with correct answer is option a fat and white question number 28 which of the following is an irregular verb option a clean b open c talk d catch correct answer is option d catch choose the adverb from the given word come here and take your seat adverb is here Question number 30. Identify the type of noun of the given sentence. She was full of happiness. Happiness is an abstract noun. So, correct answer is C, abstract noun. Section 5, a scholar's section. 4 marks for correct answer and 1.50 mark will detect for wrong answer. What is the place of 0 is the product of 5, 7, 4 and 7. So 5 7 0 the 7 is place 0 0 so thousands hundred tens ones what is the place 0 is the product of 5 7 4 and 7 so correct answer is option a ones Sorry, B, 100, 500. Question number 32. Which of these leaves are usually eaten by humans? Mint leaf, coriander leaf, spinach leaf, banana leaf and mango leaf. Option A, only the spinach leaf and mango leaf and banana leaf. B, only the spinach leaf. C, only the mint leaf, coriander leaf and spinach leaf. And D, only the coriander leaf and the banana leaf. Correct answer is option C. Only mint leaf, coriander leaf and spinach leaf. Question number 23. A bus leaves a station every 15 minutes. The 10th bus leaves a station at 9 a.m. At what times does the first bus leave the station? Option A. 5:45 a.m. B 6:45 a.m. C 7 a.m. and D 6 a.m. Correct answer is option B 6:45 a.m. Question number 34. Find the number sentence equal to 275 into 90. So correct answer is B 270 into 9 plus 5 into 9.
क्वेश्चन नंबर 25. रामू लेयर हिज फिश बॉल विथ ऑयल टू मेक द लाइट रिफ्लेक्ट ऑन इट एंड मेक इट अट्रैक्टिव. व्हाट विल हैपन आफ्टर ए फ्यू आवर्स? ऑल ऑफ दिस. बी, द फिश विल ड्रिंक ऑल द ऑयल विथ दिस विल मेक द फिश लाइवर ओनली वाइली. सी, द फिश विल डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. एंड डी, द फिश विल स्विम फास्टर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द फिश विल डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. तो आज के लिए इतना ही. आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रही हो. और प्लीज़ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूले, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. थैंक यू.